2023 में आके अगर आप खुद के लिए एक 125cc का बाइक ढूंढ रहे हो मार्केट में, तो मेरे ख्याल से जो जो बाइक आपके दिमाग में आने वाला है उसमें से एक होगा बजाज की तरफ से पल्सर 125। और इस पल्सर 125 में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, एक है कार्बन फाइबर एडिशन और एक है नियॉन एडिशन। तो अगर आप ये पल्सर 125 खरीदना चाहते हो तो इस कंटेंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं आज प्रोवाइड करने वाला हूँ वो है कौन सा आपके लिए मोस्ट वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट होने वाला है। सो हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मशीन एंड मी। और वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले आई रियली वांट टू थैंक सलूजा बजाज उन लोगों के शोरूम में आके उन लोगों के इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे इस कंटेंट को बनाने की परमिशन देने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सलूजा बजाज का कॉन्टैक्ट डाल दूंगा। अगर आप वर्धमान के टेरिटरी से बिलोंग करते हो और बजाज के प्रोडक्ट के ऊपर दिलचस्पी रखते हो तो बेझिझक कॉल कर लेना, अपॉइंटमेंट बुक करके सीधे शोरूम आ जाना और नज़दीक से देख लेना आप लोगों का फेवरेट बजाज प्रोडक्ट। ये है पल्सर 125। तो 1, 2, 3, 4 ये जो चार बाइक्स करा है आपके सामने ये सभी के सभी पल्सर 125 में है, जिसमें ये सामने वाला जो दो बाइक है ये नियॉन एडिशन वाला और यहाँ पे जो दो बाइक आप देख रहे हो ये है कार्बन फाइबर एडिशन वाला। तो इस दोनों वेरिएंट में आपको बहुत सारे सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा और सिमिलैरिटी के कंपैरिजन में बहुत कम आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो पहले बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज़ कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में। तो ओवरऑल इस बाइक का जो डिज़ाइन एलिमेंट है यहाँ पे आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब वही 1320mm का व्हील बेस, वही 140kg कार्ब वेट, वही 165mm ग्राउंड क्लियरेंस, वही 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक। उसके साथ दोनों बाइक के सामने आपको वही उल्फ आई डिज़ाइन वाला एक पावरफुल हैलोजन हेडलाइट यूनिट देखने को मिलेगा। उसके साथ दोनों बाइक में ही आपको हैलोजन टर्निंग इंडिकेटर देखने को मिलेगा। दोनों बाइक के जो फ्रंट वाला जो सस्पेंशन है वो बेसिकली टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। दोनों बाइक में ही आपको 240mm का डिस्क देखने को मिलेगा फ्रंट में। दोनों बाइक में ही 80x100 सेक्शन का 17 इंच का टायर देखने को मिलेगा। इस तरफ आओगे तो आप दोनों बाइक में ही आपको 4-स्ट्रोक 2-वाल्व ट्विन स्पार्क E20 कंफर्टेबल DTSI 124.4cc का इंजन देखने को मिलेगा, जहां से आपको 8500 RPM में 11.8 PS का पावर देखने को मिलता है और 6500 RPM में 10.8 Nm टॉर्क देखने को मिला है। और उसके साथ दोनों बाइक का जो सीट का डिज़ाइन है, सीट का जो लेंथ है, जो विड्थ है, जो कुशनिंग है, एकदम सेम है, मतलब राइडर के लिए इनफ रूम है, पिलियन के लिए भी इनफ रूम है। दोनों बाइक में आपको सेम एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। दोनों बाइक के रियर में ही आपको ट्विन गैस शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। दोनों बाइक में आपको रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा और दोनों बाइक में ही आपको रियर में 100x90 सेक्शन का 17 इंच का टायर देखने को मिलेगा। इसका जो टेल लैम्प वाला जो सेक्शन है वो भी दोनों बाइक का सेम है, मतलब वही ट्विन स्ट्राइप डिज़ाइन वाला एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेल लैम्प, उसके साथ एक हैलोजन टर्निंग इंडिकेटर। इसमें भी आपको साइड गार्ड देखने को मिलता है, इसमें भी आपको साइड गार्ड देखने को मिलता है। उसके साथ दोनों बाइक में जो स्विच गियर है वो भी सेम है, मतलब ये इंजन किल स्विच है, ये इग्निशन का स्विच है, ये पास स्विच है, अपर बीम लोअर बीम टर्निंग इंडिकेटर हॉर्न का। दोनों बाइक में ही आपको सेम कंसोल देखने को मिलेगा, डिजिटल एनालॉग वाला ऑरेंज कलर के साथ। यहाँ पे अगर आओगे तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी, मतलब कॉमन सा बहुत सारे एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो डिस्प्ले है ये बहुत फंक्शनल डिस्प्ले है, इसमें आपको ऑटो देखने को मिलेगा, स्पीडो देखने को मिलेगा, ट्रिप देखने को मिलेगा, ट्रिप बेसिकली ए बी, लो फ्यूल इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा, फ्यूल गेज आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ आप इस स्विच को दबा के बहुत कुछ देख सकते हो, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़। मतलब ओवरऑल ये कार्बन फाइबर और नियॉन वाला जो वेरिएंट है इसमें कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इंटरनली, और जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एक्चुअली वो है एक्सटर्नल। और तीन ऐसे जगह है जहाँ पे आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। फर्स्ट इसके कलर स्कीम के ऊपर, मतलब यहाँ का जो पेंट है बेसिकली ब्लैक का है और इसमें थोड़ा सा ग्लॉसीनेस आपको देखने को मिलेगा, कुछ ग्रेन ग्रेन वाला टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कार्बन फाइबर जो एडिशन है ये सिर्फ ब्लैक पेंट के ऊपर ही उपलब्ध है, उसके ऊपर रेड कलर का स्टिकरिंग आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे ब्लू कलर का स्टिकरिंग आपको देखने को मिलेगा। ये कार्बन फाइबर क्यों है, क्योंकि जगह जगह पे आपको कार्बन फाइबर का डेकल्स देखने को मिलेगा
रेयर में भी। ये है इसके लिए, इसको कार्बन फाइबर बोला जाता है। पर अगर आप नियॉन के ऊपर देखोगे तो नियॉन के ऊपर दो कलर है, एक है ब्लैक रेड, एक ग्लॉसी सिल्वर विथ येलो कम्बिनेशन में कुछ कलर है ये। और ये जो ब्लैक कलर जो है ये थोड़ा सा डल है, मतलब वो ग्रेन वाला जो टेक्सचर है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये था ग्राफिक्स के बारे में कुछ डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे जो ग्राफिक्स है ये बहुत सिंपल एक ग्राफिक्स है, जो फ्यूल टैंक के ऊपर, फ्रंट शराउड के ऊपर और रियर में बॉडी पैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको कार्बन फाइबर का डेकर्स देखने को मिलता है था। और जो चेंज है वो है पल्सर के लोगो में। ये कुछ वाइटिश सा लोगो है जिसके नीचे जो बॉडी का जो कलर है वो इंसर्टेड है। यहाँ पे ये रेड है इसलिए पल्सर के नीचे रेड है। अगर नियॉन के इस वाला वेरिएंट को अगर देखोगे कलर का, तो यहाँ पे येलो है तो इसलिए लोगो के नीचे येलो इंसर्ट है। पर अगर आप ये कार्बन फाइबर वाले एडिशन को देखोगे तो ये पल्सर का लोगो में आपको ब्लैक कलर का इस्तेमाल होता हुआ नज़र में आएगा और नीचे कोई इंसर्ट भी नहीं है, नीचे जो है वो ऑल ब्लैक है। तो ये था दो चेंज कार्बन फाइबर और नियॉन के ऊपर। अगर देखोगे आप बेसिकली कलर स्कीम के ऊपर बेस करके आपको चेंज देखने को मिलेगा, और ये जो ग्राफिक्स के उसके ऊपर बेस करके आपको चेंज देखने को मिलेगा। थर्ड जो चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है कार्बन फाइबर एडिशन में आपको नीचे में एक इंजन क्राउल देखने को मिलता है, पर नियॉन वाला जो एडिशन है उसमें आपको नीचे कोई इंजन क्राउल देखने को नहीं मिलता है। तो ये था वो तीन जगह जहाँ पर आपको दोनों बाइक में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये वाला जो डिफरेंस है इसके लिए आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो मेरा ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब ये कार्बन फाइबर एडिशन का वर्धमान में अभी एक शोरूम प्राइस है 91,571 रुपीज़, और ये नियॉन वाला जो वेरिएंट है इसका वर्धमान में एक शोरूम प्राइस है 82,029 रुपीज़। मतलब सिर्फ तीन चीज़ के लिए, मतलब वो इंजन कवल, वो ग्राफिक्स और पेंट स्कीम के लिए आपको लगभग 9,500 रुपीज़ प्लस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ओवर द नियॉन वेरिएंट। तो मेरे ख्याल से ब्रेक एक है, टायर्स एक है, सस्पेंशन एक है, इसका बॉडी पैनल में कोई डिफरेंस नहीं है, इंटरनल चेंज भी कुछ को आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको सेम जैसे कंसोल देखने को मिलेगा, सेम पावर देखने को मिलेगा। तो सिर्फ इस तीन चीज़ के लिए 9,500+ रुपीज़ देना कितना लाजमी है मेरा ख्याल से तो एकदम नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं इसको मोस्ट वैल्यू फॉर द मनी वेरिएंट बोल रहा हूँ। पर अगर आप लोगों को इस कलर के ऊपर फैसिनेशन है तो अलग बात है, पर ओवरऑल देखा जाए तो इट्स मेक्स मोर सेंस। तो यही था सलूजा बजाज के शोरूम में आके ये ब्यूटीफुल पल्सर 125 के ऊपर एक डिटेल कंपैरिजन कंटेंट, मतलब ये कार्बन फाइबर और ये नियॉन वाला वेरिएंट कौन सा आपके लिए सही है इसके ऊपर मैं डिटेल में एक कंपैरिजन रिव्यू। तो अगर ये कंटेंट आप लोगों को हेल्पफुल लगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये कॉन्टेंट कैसा लगा वो भी मेंशन कर देना। बहुत जल्दी दूसरे कोई कॉन्टेंट के साथ फिर सब लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।